गुड मॉर्निंग गाइस, मैं टेक्निकल लौंडा और एक बार फिर वही एनर्जी के साथ हम लोग दोबारा मिल रहे हैं। तो अभी देखिए, ये जो HP का प्रिंटर है, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इसका मॉडल बता देता हूँ मैं, ये एक बार फ्रंट से दिखाओ इसको अच्छे से, ये मॉडल को देखो ध्यान से, देखो इसको CID टाइप से ध्यान से देखो एकदम, ठीक है। तो ये जो मॉडल है, बहुत लोग को लगता है कि ये पहले सैमसंग का ऐसा मॉडल रहता था, तो आप बहुत सही सोच रहे हो, ठीक है, आप बहुत होनहार व्यक्ति हो। ये जो प्रिंटर है सैमसंग का, जो जितने भी प्रिंटर था सैमसंग का, वो HP अभी हैंड ओवर कर लिया है। तो ये पुराने जो सैमसंग के मॉडल आते थे बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं, इसका पार्ट्स भी वही रहता है, कॉटरेज ऑटरेज जो सेम सैमसंग टाइप का ही रहता है, ठीक है। तो अभी इसमें मैं प्रिंट करता हूँ, टेस्ट प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट प्रिंट करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे, ये 3 डॉट दिख रहा है आप लोग को, ये मेनू का स्विच होता है, ठीक है, मेनू का बटन होता है, उसको एक बार दबाऊंगा। अब स्क्रीन में देखिए, आप लोग साइड करेंगे तो सिस्टम सेटअप आएगा, सिस्टम सेटअप में जाएंगे आप, ओके करेंगे, फिर उसके बाद आप राइट साइड करेंगे तो आपको रिपोर्ट दिखेगा, एक रिपोर्ट, उसमें ओके करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, उसमें फिर ओके करेंगे, यस, फिर ओके करेंगे यस के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और एक टेस्ट प्रिंट निकलेगा, ठीक है, तो उसमें हम क्वालिटी चेक कर लेंगे कैसा प्रिंट आ रहा है, ये टेस्ट प्रिंट, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो प्रिंट है, ये तो मेरे को सब सही लग रहा है, बस ये जो साइड है इस तरफ ये थोड़ा सा दाग धब्बा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये रोलर ड्रम का हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी दाग धब्बा आया, प्रिंट ख़राब आया, उसके लिए सबसे पहले अपने को कॉटरेज को चेक करना है, उसके बाद फिर प्रिंटर का भी हो सकता है प्रॉब्लम वो, और भी जो रोलर रहते हैं हीटर वगैरह वो सब, लेकिन सबसे पहले कॉटरेज को चेक कर दें, ठीक है। तो कॉटरेज अपने को खोलना है, कॉटरेज हम लोग खोलेंगे यहाँ से। और ये मॉडल का सबसे एक ख़राब चीज़ बता देता हूँ, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है पैनल, इसको ओपन करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है। तो चलो खोलते हैं, ये देखो बहुत ज़ोर से करना पड़ता है, उठाओ कोई दिक्कत नहीं है, टूटेगा नहीं, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे और ये कॉटरेज को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये कॉटरेज को मैं खोलूँगा और ये मेरे अंदाजे के हिसाब से खाली भी लग रहा है, इसको रिफ़िल भी करते हैं हम लोग। और ये देखिए, मैं मेरा जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल सही था। ये ड्रम को देखिए आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है कुछ अलग थोड़ा सा, है ना, घिसा हुआ थोड़ा सा, इधर देखिए इधर सही है क्वालिटी, और यहाँ पर घिसा हुआ दिख रहा है। इसको मैं क्लीन भी करता हूँ एक बार, तो वहाँ पर थोड़ा सा कलर थोड़ा चेंजेस लग रहा है, ठीक है। इस साइड देखो, जैसे इधर बीच का जो एरिया ये ज़्यादा ग्रीन है और ये थोड़ा सा ब्लू टाइप का लग रहा है, उसका साइनिंग थोड़ा सा उड़ चुका है, ठीक है। तो इसको खोलेंगे और ये मॉडल का अभी तो मेरे पास फिलहाल ड्रम नहीं है, लेकिन 100% ड्रम को चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं खोलना कैसे है, रिफ़िल कैसे करना है, वो सब मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो कॉटरेज है, ये तो डुप्लीकेट है आपका, मतलब कंपैटिबल वाला है, ठीक है। यहाँ पर HP लिखा रहेगा, तो ये ओरिजिनल जो प्रिंटर के साथ आता वही रहता है, तो कोई नहीं, सेम रहता है हर चीज़, बस उसमें जैसे साइड में ये स्क्रू दिया हुआ है उसमें लॉक रहता है, खाली उसको बिना स्क्रू खोले अपने को साइड से ओपन करना पड़ता है, इसको पेचकस वगैरह डाल के, ठीक है। तो इसको अभी मैं नीचे रखता हूँ, इसको साइड करता हूँ और आप लोग को खोल के बताता हूँ। तो ये स्क्रू यहाँ पे दिख रहा है, दोनों स्क्रू को खोलना है यहाँ पे, ठीक है, एक स्क्रू दो स्क्रू, दोनों स्क्रू खोलेंगे हम लोग, परफेक्ट शॉट, ठीक है। तो हम इसका ये खोल लिया स्क्रू, 1 2 3 यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 1 2, ठीक है, सब स्क्रू खुल गया। अगर आपका ओरिजिनल कॉटरेज रहेगा HP कंपनी वाला, तो उस पर स्क्रू नहीं रहेगा, सिर्फ लॉक रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे लॉक है वहाँ पे एक पतला वाला ऐसे स्क्रू ड्राइवर लेना, टेस्टर पेचकस जो भी है, जहाँ पे लॉक है वहीं पे इसको आपको ऐसे डाल के ऐसे ढकेलना है बाहर, ठीक है। तो ये निकल गया आसानी से, क्योंकि एक दो बार खुल गया है ये, हो सकता है लेट से खुलेगा अगर नया कॉटरेज आपका फर्स्ट टाइम खुल रहा होगा, ठीक है। और इधर का तो डर के ऑटोमेटिक खुल गया, इसको बता देता हूँ फिर भी, ये देखो, ठीक है, यहाँ से स्क्रू डाल के ऐसे बाहर, ठीक है। इसका सेफ मैच करके ध्यान से आपको लगाना है लास्ट में, तो देख लो जैसे भी आप लोग इसको रख दो, और उसके बाद फिर ये वाला पार्ट खुलेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से दो टुकड़ा हो जाएगा ये। अब ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे लगा हुआ है रबड़ वाला जो रोलर है,
इसको पीसीआर रोलर बोलते हैं, ठीक है, पीसीआर पीसी रोलर। इसको हम लोग यहाँ पे फंसा हुआ है, ये लॉक है, ठीक है, तो इसको ऊपर तरफ हम लोग ऐसे उठाएंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। इसका कुछ और पार्ट निकल गया, उसको मैं लगा रहा, ये क्या डुप्लीकेट वाला है, तो कुछ कुछ चीज़ इसका नॉर्मल टाइप का रहता है क्वालिटी। तो यहाँ पे देखो ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ना यहाँ पे, वो चीज़ ये निकल के फेंका गया था, ठीक है। तो इसको कोई नहीं, दोबारा यहाँ पे वहीं पे सेटल कर देते हैं इसको, भाई साहब को ये लग गया, ठीक है। बस खोलना और लगाना आपको सीखना है, बाकी तो फिर हो जाएगा रिपेयर, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको हल्का सा गीला कपड़ा करके इसको क्लीन कर देंगे, ठीक है। इसका तो मेरे को ऑलरेडी क्लीन लग रहा है। और देखिए यहाँ पे एक बारीकी चीज़ ये है कि ये रोलर में देखेंगे, ये जो एक तरफ का देखिए ये जो रॉड दिख रहा है स्टील का, ये थोड़ा सा छोटा है और एक तरफ का बड़ा है, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला है वो इस साइड रहता है। ये चीज़ आप लोग जैसे निकालेंगे उस टाइम आप लोग ध्यान देना, जैसे लगा हुआ है वैसे अपने को लगाना है, ठीक है। तो इस पोजीशन में जो इसका हैंडल है पकड़ने का, उस पोजीशन में ये जो रॉड है जो बड़ा वाला, वो राइट हैंड साइड रहेगा इस तरफ से, ठीक है। अब इसको मैं रख देता हूँ। उसके बाद ये दोनों स्क्रू खोल के ये ब्लेड को निकालना है, और इसके अंदर जो भी कचड़ा रहता है, डस्ट रहता है जो, ठीक है, जो यूज़ होने के बाद जो और एक्स्ट्रा पाउडर जो क्लीन हो के यहाँ ब्लेड से जो छन कर जो जाता है, वहीं अंदर में वो घुसा रहता है। इस प्रक्रिया को हम क्लीनिंग कहते हैं। तो इसको स्क्रू मैं खोल लेता हूँ और ये ब्लेड आसानी से निकल गया। ये क्लीनिंग ब्लेड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये ब्लेड है क्लीनिंग ब्लेड, ठीक। ये रबर रहता है, ये रबर साइड से कटना नहीं चाहिए, इसको सॉफ्ट उसको हल्के से पकड़ के आप कपड़े वपड़े में क्लीन कर सकते हो इसको, ठीक है। और कभी भी आप लोग रिफिल वगैरह करेंगे तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करना है, है ना। ये क्या है, आँख आँख में जाने से दिक्कत करता है थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे उतना ज़्यादा पाउडर तो इकट्ठा नहीं हुआ इसमें, बाकी इसमें पाउडर जो भी ख़राब वाला रहता है डस्ट, हो इसी के अंदर जमा रहता है। तो इसको झड़ा देंगे हम लोग, उसको फेंक देना है अपने को, फिर दोबारा वापस अपने को जैसे लगा था वैसे हमको लगा देना है ब्लेड को। ये ब्लेड का यहाँ पे खांचा बना होता है, उसमें बैठा के हो जा भाई, काहे सतावत है। लग गया ना, नहीं बैठा है क्या, ठीक है। तो ब्लेड में देखो यहाँ पे लगा लिया हूँ, जहाँ पे उसका फ्रेम जैसे बैठेगा वैसे लगा के अपने को स्क्रू को कस लेना है बाइचत। स्क्रू टाइट कर दिया, एक एक पार्ट को हम लोग रेडी करेंगे, ठीक है। जैसे कि दो पार्ट में ये अलग हो गया कॉटरेज, तो सबसे पहले ये वाले पार्ट को या वो वाले पार्ट को, जैसे भी है आपकी मर्जी। तो ये पार्ट को मैं रेडी कर लिया हूँ। उसके बाद ये जो बड़ा वाला बताया था आपको, ये बड़ा वाला जो रॉड निकला उसको राइट हैंड में रखेंगे। तो यहाँ पे लगा के ये प्लास्टिक में इसको फंसा के अपने को दबा देना सिंपली, ठीक है। और ये बहुत सारे मॉडल में, जो मतलब बहुत सारे मॉडल में नहीं, जो ओरिजिनल कॉटरेज रहता है उसमें ये रॉड के साइड साइड में वो प्लास्टिक लगा रहता है, एक तरफ वाइट एक तरफ ग्रीन, ठीक है। तो उसको नहीं भी लगाओगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसको मैं अलग से साइड में रख दूँगा। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है मेन बड़ा बॉस, ये है इसका ड्रम रोलर। ड्रम रोलर को खोलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टील का रॉड दिख रहा है उसको किसी भी तरफ से दबा दो, या इस तरफ से दबा दो या इस तरफ से उधर ढकेल दो। उसके बाद इस साइड निकल जाएगा ऐसे, फिर उसको दोबारा इधर खींच के ऐसे निकाल देंगे, इसको अलग रख दो। अब जो पूरा गेम है इधर का है, इसके अंदर मेन पाउडर डलता है पूरा, ठीक है। पाउडर इसके अंदर डलेगा, ये देखो इस साइड जो है ये कैप है, ये कैप को हम लोग निकालेंगे आराम से ऐसे अपने नाखून की मदद लेते हुए, और इसको खोल के, चलो इसमें तो पाउडर है लग रहा है मेरे को, पाउडर तो है इसमें वैसे, ठीक है। तो पाउडर इसके अंदर डलेगा, इसको खोलेंगे, थोड़ा मोड़ा जो पाउडर रहेगा उसको ऐसे पकड़ के इधर से ही झड़ा लेंगे उसको,
खाली कर लेंगे इसको और दोबारा वहीं पे रिफिल कर लेंगे। तो इसका जो पाउडर आता है, देखिए मैं ये पाउडर यूज़ करता हूँ, बहुत सारे कंपनी का आता है, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूँगा, आप लोग वहाँ पे जाके ख़रीद सकते हो, ठीक है। ये अच्छा डार्कनेस आता है, दो तीन ऐसे कंपनी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, अच्छा रहता है उसका पाउडर, तो वो मैं दे दूँगा आप लोग को लिंक, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हो। और लगभग इसमें 70-80 ग्राम इसमें पाउडर डलता है, ये कॉटरेज मॉडल जो है इसमें, उससे ज़्यादा पाउडर नहीं डलता इसमें, ठीक है। तो इसको साइड रखते हैं अभी फिलहाल। और देखिए मैं इसका ड्रम का वो जो प्रॉब्लम आ रहा था, ड्रम का वो जो प्रॉब्लम था जो आ रहा था वहाँ पे ख़राब प्रिंट, ठीक है। देखो ड्रम को देखो, तो यही ड्रम आप लोग नया ले करके ये जो रॉड है इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ड्रम के साथ ये नहीं आता है रॉड, तो ये ड्रम को ऐसे खींच के आप लोग ये रॉड को निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद इसको दोबारा वैसे बस लगा लेना है इसको, फिर इधर से जो इसका होल है इसको मैच करके ऐसे दोबारा निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को ड्रम लगाने का मैं तरीका, वहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्रम का ये जो गियर वाला पार्ट है चक्री चक्री वाला, ये ऐसे लगेगा कि इधर ऐसे लगेगा, है ना। तो ये ध्यान देना आप लोग, जो इस साइड जो इसमें कॉटरेज में जो गियर रहेगा ना, देखिए इस साइड पूरा ये चक्री लगा हुआ गियर है ना, यहाँ से भी दिख जा रहा है आप लोग को, तो बस उसी साइड अपने को ड्रम का भी पोजीशन वैसे ही रखना है, जिधर गियर उधर गियर, ठीक है। अब लगाना कैसे है, इस साइड लगा लो पहले, फिर इसको रॉड को स्टील का जो है इसको ढकेल दो पूरा, फिर इधर भी बैठ जाएगा, फिर वापस उसको बराबर ढकेल के मैनेज कर दो, ठीक है। इसके बाद बस अपने को ये वाला जो इसका पहला वाला पार्ट था इसको लगा लेना है ऐसे, इसका लॉक देख के पोजीशन देख के जैसे बैठेगा, ठीक है। गलत लगाओगे तो पहली बात तो बैठेगा ही नहीं वो, तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि ये गलत फिट हो रहा है इधर का, ठीक है। और ये देखो ये यहाँ पे इसका लॉक बैठाना है, ये बैठा, ये दोनों लॉक बैठना चाहिए बस, ये लग गया, ठीक है। बहुत इजली है ये। अब जो गियर है, गियर साइड लगेगा ये वाला, देखिए गियर का ये जो दिख रहा है रॉड वगैरह गोल गोल ये सब, यहाँ पे इसका भी गोल गोल ऐसे ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये ऐसे इसका सेफ मैच करके भी समझ आ जाएगा कि ये इधर ही लगेगा करके, ठीक ठीक है, ये लग जाएगा। सबसे पहले आप लोग को गियर साइड का ही लगाना है ये जो कैप है ये वाला, ठीक है, साइड का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो जो ये जो होल आपको दिख रहा है यहाँ से रॉड निकलेगा, तो वो रॉड का सेफ थोड़ा सा डी सेफ में रहता है, तो वो डी सेफ को मैच करके यहाँ पे प्रॉपर बैठाना होता है, ठीक है। तो देखिए वो रॉड अभी काफ़ी अंदर में है, उसको बाहर दिखना चाहिए आपको, तो जो इस साइड है रॉड को उसको ढकेलेंगे और घुमाएंगे, तो डी सेफ का जो होल है उसमें डी सेफ में वो रॉड फिक्स हो जाना चाहिए आगे, देखिए ये अभी और बैठेगा अच्छे से, तो मैं इस साइड से घुमा रहा हूँ, ठीक है, घुमा के उसको ढकेल रहा हूँ तो आके ये प्रॉपर फिर बैठ गया, देखो अभी होल से पूरा बाहर निकल गया ये और डी सेफ में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले इसी साइड को अपने को फिट करना है, फिर उसके बाद दोबारा इधर इस साइड का जो रॉड रहता है उसका सेप जो है वो नॉर्मल राउंड ही रहता है, तो उसको बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होता, इसीलिए पहले हम लोग वो डी सेफ वाले तरफ को बैठाएंगे, ठीक है। अब इसको फिर बस इसमें इसको भी आप लोग बस लग गया, उसके बाद ढकेल देंगे बस, ये अच्छे से बैठे रहना चाहिए, ठीक है, सब तरफ से प्रॉपर देखिए फिक्स हो गया है। अब स्क्रू लगा लें, अगर लॉक वाला है तो फिर लॉक के पास अच्छे से आप लोग दबा लें, और ड्रम वगैरह आप लोग चेंज करेंगे तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ड्रम मेरे पास है नहीं करके मैं चेंज नहीं किया हूँ, बाकी सारा कुछ बता दिया हूँ कैसे चेंज होगा क्या करना है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर कमेंट करना, और नंबर भी है, आप लोग डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ड्रम कहाँ से मिलेगा, क्या इसका जो भी पार्ट्स है, जो भी प्रिंटर का आप लोग जो भी वीडियो देखते हो सब में मैं डिस्क्रिप्शन दिया रहता हूँ, जो भी उसका पार्ट्स रहता है वो उसमें वहाँ से अवेलेबल रहता है, आप लोग वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो दोबारा इसको खोल के लगाएंगे, कोई मतलब नहीं है नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ड्रम तो मैं चेंज किया ही है। तो बस लगाने के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ दोबारा इंस्टॉल कैसे करना है, फिर से इसको जोर से ताकत लगा के खोलना है, इसको ऊपर उठाना है, इसको इस पोजीशन में रख के
इस तरह इसको ढकेल लेना है बस, ठीक है। तो ये मॉडल था HP 138, ठीक है। तो इसका कॉटरेज आप लोग रिफिंग करना सीख गए हैं और इसका जो भी रोलर वोलर है वो चेंज करना सीख गए, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में आप लोग समझ ही गए होंगे क्या कैसे इसका कौन सा पार्ट चेंज करना है, कैसे रिफिल करना है, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।